हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 438 है। पार्ट नंबर 437 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 54 से क्या हो रहा है, 46 हो रहा है, और 46 ले यहाँ पर 34 हो रहा है, 34 ले यहाँ पर 26 हो रहा है, और 26 ले 14 हो रहा है, और 14 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 54 से 46 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 54 में क्या करते हैं, 54 में देखिए यहाँ पर 8 को माइनस कर देंगे तो 46 आएगा, और 46 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 34 लिख रहा है, तो 46 में अगर 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 34 आ जाएगा, और 34 लेकर लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं, तो 34 में यहाँ पर 8 को माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 में क्या करते हैं, 26 में आपको यहाँ पर 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, और तो 14 में क्या करेंगे, 14 में 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 माइनस किए 12 माइनस किए, 8 किया है 12 किया है, तो आपके पास क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, जब 8 को माइनस करेंगे 14 में यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर क्या दिया गया, 345 जो है ना आपको यहाँ पर 50 ले समय थे, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 465 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समय होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, 345 जो है ना वो 50 ले किस प्रकार से समय थे। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या 345 दिए और छोटी संख्या क्या दिए, 50 दिए। अगर छोटी संख्या को तरफ से बड़ी संख्या की याद करेंगे तो क्या, यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या 50 हो गया, अगर 50 में क्या करते हैं, यहाँ पर 50 में अगर क्या करते हैं, 7 ले गुणा करेंगे तो 7 पच्चीस कितना होता है, 35 होता है, यानी 350 आ रहा है। अगर 350 में मान लीजिए क्या करते हैं कि 5 को माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 50 यहाँ पर 71 को देखिए मान लीजिए 71 रखते हैं, 71 में क्या 7 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 7 एकम 7 आ गया, 49 हो गया, यानी 497 रहे, 65 के लगा रहे, और यहाँ पर क्या करते हैं माइनस 5 करते हैं, ठीक है माइनस 5 कर देंगे कितना गया, क्या 65 आएगा, नहीं आएगा, यानी इस प्रकार से आपको संबंध नहीं हो रहा है। ठीक है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है देखिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर लॉजिक इसमें देखते हैं कि 345 जो है वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है, और यहाँ पर 5 बन रहा है, इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर बराबर में 50 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, देखिए सबको जोड़ने से तो 50 आएगा नहीं, तो देखिए यहाँ पर करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो तितली का 9 हो गया, और यहाँ पर 14 16 हो गया, ठीक है, और प्लस में क्या करना है, 50 25 हो गया, इन सबको मान लीजिए जोड़ने पर कितना रहे, 50 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से देखिए 50 ले समय दिया है, उसी प्रकार से बताना है कि 465 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी 465 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस क्या क्या करेंगे, 6 करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 5 करेंगे, अब इनको भी क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गए, और यहाँ पर 6 के 36 हो गए, और यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 77 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 और 36 और यहाँ पर 25 को जोड़ने पर 77 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, यानी 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने समकोण त्रिभुजों के बनाए जा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ई वाला बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा एक समकोण त्रिभुज बन गया, और यहाँ पर देखिए ई वाला बनेगा कितना गया, 2 बन रहा है, और यहाँ पर देखिए ई वाला बनेगा, ई वाला नहीं बन रहा है, ठीक है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है,
ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो हो गया, दो के बाद में देखिए यहाँ पर ये देखेंगे ई बन रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, तीन हो गया, और तीन के बाद में देखिए यहाँ से ई बन रहा है तो चार हो गया, और चार के बाद में देखिए ई बनेगा, ठीक है, तो पाँच हो गया, और पाँच के बाद में देखिए यहाँ से ई वाला बनेगा, ठीक है, पाँच के बाद में ई वाला बनेगा तो छः हो गया, और छः के बाद में देखिए ई वाला बनेगा कितना दिख रहा है, ये सात दिख रहा है, ठीक है, सात हो गया, और सात के बाद में देखिए एक ई वाला बनेगा, कितना बन गया, आठ बन गया। यानी इस आकृति में कितने समकोण अभी त्रिभुज बन रहा है, आठ को बन रहा है, यानी इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, यानी आठ को है, तो आठ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि झूठ को 160 लिखा है तो यहाँ पर सच को बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए झूठ बराबर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 160 लिखा जाता है, तो आपको उसी प्रकार से बताना है कि सच सच को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं झूठ को किस प्रकार से लिखता है, 160 किस प्रकार से लिख रहा है, जे लिख रहा है, एच लिख रहा है, यू लिख रहा है, और यहाँ पर टी लिख रहा है, एक क्या लिख रहा है, 160 लिख रहा है, तो 160 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए एच जे लिख रहा है, जे का स्थानीय मान कितने पता है, 10 पता है, और एच का स्थानीय मान 8 पता है, और यू का स्थानीय मान 21 पता है, और टी का स्थानीय मान 20 पता है। इन सबको देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या 160 आएगा, नहीं आएगा, अगर गुना करेंगे तो ये भी 160 नहीं आएगा, जोड़ने पर नहीं रहे, गुना करने पर नहीं रहे। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, स्थानीय मान से हमको नहीं हो रहा है, जब स्थानीय मान से नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गिनिए कि इसमें कितने अक्षर दिया है, ठीक है, देखिए एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, चार अक्षर दिया है, तो चार को देखिए यहाँ पर चार को क्या करते हैं, यानी चार को एक बार क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, जब चार का एक बार स्क्वायर करेंगे तो देखिए 16 गया, अब फिर एक बार क्या करते हैं, चार का क्यूब करते हैं, जब चार का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 16 चौक 64 देखिए तो यहाँ पर कितना देगा, यानी चौक 16 चौक 64 आ गया, तो यहाँ पर 64 रखते हैं। अभी देखिए इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेंगे, जब इन दोनों को आपस में देखिए चार को संख्या दिया है, क्या दिया, अक्षर चार दिया है, लेकिन चार को एक बार क्यूब करेंगे और एक बार स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 4 10 हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 1 7 हो गया, 1 80 लिए कितना गया, 8 आ गया, 80 आ गया, और 80 में देखिए 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया, यानी 160 आ गया, देखिए 160 लिखा है ना, तो 160 आपको उसी से समझते हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे, सच को भी लिखेंगे, देखिए तो सच को क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या दिया, तो यहाँ पर सी दिया, सॉरी यहाँ पर क्या दिया, एच दिया, एच दिया, ए दिया, यानी सी दिया, एच दिया, इनको भी स्थानीय मान लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, स्थानीय मान से नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इनमें देखते हैं कि अक्षर कितना दिया है, देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चार हो गया, चार इसमें भी दिया है, देखिए इसमें भी क्या करते हैं, चार का देखिए चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गए, और यहाँ पर चार का एक बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर कितना गया, यानी 16 4 64 आ गया, कितना गया, 64 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इन बिन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 80 आएगा, कितना का, 80 आ जाएगा, और 80 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना का, 160 आ गया, कितना का, 160, यानी सच बराबर भी क्या लिखेगा, यानी 160 ही लिखेगा, यानी सच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100, यानी देखिए 100 कितना हो गया, यानी 160 हो जाएगा, तो 160 यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको मान लीजिए एक प्रश्न आकृति दिया है, एक दिया है प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति में आपको बताना है कि जो प्रश्नोत्तर दिया है ना, ये प्रश्नोत्तर के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, देखिए इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में या तो रूप में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, रूप में और कलम में देखते हैं ज्ञात कर, और भी बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि 13 दिख रहा है और 62 देख कर 16 दिख रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है 52 लिख आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिख रहा है, क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है 24 दिख रहा है, इन बराबर में क्या है 9 दिख रहा है 90 दिख रहा है। देखिए तो हमको समझ में आएगा कि बड़ी संख्या किधर दिया है, देखिए इधर आपको बड़ी संख्या दे रखा है, ठीक है ये बड़ी संख्या दे रखा है, यानी यहाँ पर देखिए इधर से क्या करेंगे इधर ज्ञात करेंगे। देखिए यानी 13 को और 16 को आपस में क्या करेंगे 52 आ जाएगा। देखिए जोड़ने पर क्या है 52 रहा है, जोड़ने पर नहीं 52 है, अगर गुना करेंगे देखिए 16 में अगर 13 से गुना कर लेंगे तो क्या 52 आएगा, नहीं आएगा, 16 3 48 आएगा, यही 48 आ रहा है, अभी 16 तो अब बाकी है, ठीक है तो 52 नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है लॉजिक देखिए इस किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसको प्रश्न में समझ आएगा तो इधर से हमको इधर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है, और 13 को और प्लस में 16 को आपस में
गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गुना करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद में यहाँ पर चार से भाग कर लेंगे तो चौचौ को 16 हो गए और तेरह चौक कितना होता है 52 होता है। देखिए आ गया ना, आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, देखिए 15 और 24 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 24 हो गए और गुना कितना दिए 15 दिए, 15 और 24 को आपस में गुना करके चार से भाग करेंगे तो छः चौक 24 हो गया, ठीक है, छः मर्त में, यानी 15 छः का कितना गया 90 आ गया। देखिए ये वाला 90 आ गया और ये वाला 52 आ गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर 23 को और 36 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 23 दिया है, फिर गुना कितना दिया 36 दिया है और इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद में चार से भाग कर लेंगे तो 9 चौक 36 कट गया, ठीक है, 9 चौक 36 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है गया कि 23 में और 9 से गुना करेंगे तो 9 के कितना आता है यहाँ पर 27 का यहाँ पर क्या करेंगे 7 रख लेंगे। अब देखिए 9 दुनी के कितना गया 18, 9 दुनी के 18 गया, 18 दू कितना गया 20 आ जाएगा, यहाँ पर कितना गया 207 आ गया, यानी इनको आपस में क्या कह रहे हैं 207 आ गया, यानी इस प्रश्न नौचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर 207 आ जाएगा। तो 207 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 96 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 अगस्त को बुधवार है, मान लीजिए 1 अगस्त को क्या है 1 अगस्त लिख रहा है, ठीक है, 1 अगस्त को क्या बोल रहा है बुधवार बोल रहा है, ये बुधवार रखते हैं, ठीक है, ये बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार है तो बताना है कि 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 अगस्त लेकर 1 सितंबर तक कुल कितने दिन होता है, देखिए अगस्त कितने दिन का महीना होगा 30 दिन का और यहाँ पर सितंबर को रखते हैं, ठीक है, यानी 1 सितंबर, ये सितंबर हो गया ना, 1 सितंबर हो गया, ठीक है, यानी सितंबर 1 सितंबर, तो 1 सितंबर में क्या होगा, 1 सितंबर में 1 सितंबर हो गया और 30 दिन हो गया तो जोड़ने पर कितना रहा है कुल टोटल 31 दिन हो गए और 31 में क्या करते हैं 7 ले भाग करेंगे तो 7 चौक कितना होता है 28 होता है, 7 चौक 28 आ गया, यानी क्या आ गया यहाँ पर 28, यानी 7 चौक 28 आ गया, यानी 4 मर्त में कट गया, यानी शेष कितना बच गया 28 मर्त में ना, यानी 28 ले कट गया तो शेष कितना बच गया, देखिए 7 चौक 28 दो 30 31 आ गया, कितना शेष फल आपको 3 बच गया, जब शेष फल 3 बच गया तो 3 को क्या करते हैं 1 अगस्त और 1 अगस्त में यानी बुधवार आया तो बुधवार में 3 को जोड़ देंगे, जब बुधवार में 3 को जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार आ गया, यानी 1 सितंबर 2000, देखिए 1 सितंबर को कौन से दिन हो जाएगा, 1 सितंबर को यहाँ पर शनिवार आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा बुध में 3 गुजरेंगे बुधवार तो बुधवार छोड़ देंगे बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, ये क्या आएगा यहाँ पर शनिवार आ जाएगा, यानी 1 सितंबर को कौन सा दिन आ गया तो शनिवार, तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया सार्थक क्रम में 5 शब्द दिए, इन 5ों शब्द को क्या करना है आपको सार्थक कर आरोही क्रम में सजना है। देखिए सार्थक का मतलब क्या है बढ़ते क्रम में, ठीक है, क्या करना है हमको बढ़ते क्रम में चलना है, जैसे यहाँ पर घटते क्रम में बढ़ते नहीं घटते क्रम में, सबसे बड़ा कौन होगा उसे छोटा यानी घटते क्रम में हमको चलना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए सब 5ों शब्द में कौन कौन सा शब्द दिया है, देखिए यहाँ पर 1 में महीने दिया है, 2 में दिन दिया है, 3 में वर्ष दिया है, 4 में घंटा दिया है और 5 में मिनट दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको सार्थक क्रम आरोही में सजना है, ठीक है, तो सार्थक मतलब यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे यानी घटते क्रम में। देखिए तो सबसे पहले इस 5ों शब्द में देखिए कौन सा एक बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है तो सबसे बड़ा यहाँ पर वर्ष दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना दिए 3 नंबर वर्ष हो गया, वर्ष के बाद में यहाँ पर कितना आता है महीना आता है तो महीना 1 पद है, ठीक है, महीना 1 पद है। देखिए वर्ष हो गया, वर्ष के बाद में यहाँ पर महीना गया, महीना से कौन सा छोटा दिन है तो महीने से देखिए यहाँ पर क्या आएगा दिन आ जाएगा, ठीक है, दिन कितने पद है 2 पद है, दिन के बाद में यहाँ पर घंटा आ जाएगा, ठीक है, तो घंटा कितने दिए 4 पद है, घंटा के बाद यहाँ पर मिनट दिए तो 5 पद है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए, देखिए सार्थक क्रम में यानी क्या करते हैं यहाँ पर घटते क्रम में चलेंगे, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे बड़ा वर्ष हो गया, ठीक है, वर्ष के बाद में यहाँ पर क्या आएगा महीना आएगा, महीना के बाद यहाँ पर दिन आ जाएगा, दिन के बाद में यहाँ पर घंटा आएगा, घंटा के बाद यहाँ पर मिनट आ गया। देखिए सार्थक क्रम में सजा दिया तो कौन सा रहा है यानी 31245 आ रहा है, 31245 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 31245, देखिए 31245 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है यानी वानर, वानर जो है आप मनुष्य समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिल्ली को बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं,
बानर जो है वानर मनुष्य ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए बानर के यानी देखिए बानर के पूर्वज यानी मनुष्य को माना जाता है, यानी मनुष्य के पूर्वज को क्या मानते हैं, बानर को मानते हैं। देखिए तो बानर हो गया, बानर जो है ना मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं बानर के, ठीक है, बानर के यानी पूर्वज, यहाँ पर पूर्वज हो जाएगा, ये क्या लिखा है यानी पूर्वज, ठीक है, क्या हो गया पूर्वज माने जाते हैं, यहाँ पर माने जाते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बानर जो है ना वो मनुष्य के पूर्वज माना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बिल्ली दिया है, तो बिल्ली किसको पूर्वज माना जाता है, देखिए तो बिल्ली यानी बिल्ली के, ठीक है, बिल्ली किसके पूर्वज माना जाता है, तो यहाँ पर पूर्वज हो जाएगा, पूर्वज माने, ठीक है, माने जाती है, यानी यहाँ पर जाती है ना, यहाँ पर क्या लिखेगा जाती है, ठीक है, ये जाती है, तो किसकी जाती है, पूर्वज किसके माने जाते हैं, बिल्ली जो है ना किसके पूर्वज माने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चीता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चीता हो जाएगा, तो चीता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च विनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, तुरई दिया है, सब्जी दिया और सलजम दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्दों में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए सब्जी मिल रहा है, यानी सब्जी के अंदर में क्या आता है तुरई आता है और यहाँ पर क्या आता है सलजम भी आता है। देखिए इस वेन डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं ये सब्जी को रखते हैं, ठीक है, यानी सब्जी है, यहाँ पर सब्जी हो गया, सब्जी के अंदर में कहते हैं यहाँ पर देखिए तुरई भी आते हैं, यहाँ पर सलजम भी आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तुरई हो गया, ठीक है, यानी तुरई भी हो गया और यहाँ पर सलजम हो गया, यानी सलजम भी हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, सबसे कॉमन सब्जी दिख रहा है, सब्जी के अंदर में तुरई भी आता है और यहाँ पर सलजम भी आता है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी लड़कों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या की दुगुना है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए सिंपल कराए, देखिए ये आपको क्या दिए एक मैथ का प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है, देखिए मैथ भी ज्ञात करते हैं, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 42 लड़कों की, देखिए 42 विद्यार्थियों 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुना है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या की दोगुना क्या है, लड़कों की संख्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कितना टोटल दिए 42 को दिए, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पर 72 विद्यार्थी दिए, यहाँ पर क्या करते हैं देखिए लड़कियों की संख्या क्या है 100 है, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या दोगुना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं ये लड़कियाँ हो गया, ये लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की यहाँ पर संख्या हो गया, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना दिए 100 दिया है और लड़कों की संख्या यानी लड़कों हो गया, ठीक है, लड़कों की संख्या देखिए तो लड़कों की संख्या क्या दिए 2x यानी दोगुना दिए, तो 2x रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, तो आपको बताना क्या है कि देखिए यानी लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, अब बताना क्या है लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, जब लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं तो x का मान ज्ञात करेंगे, देखिए x का मान ज्ञात करने के यहाँ पर क्या हो गया 2x, ठीक है, यानी 2x प्लस में कितना का x हो गया, फिर बराबर में कितना दिया 72 दिया है। अब देखिए इधर कितना होगा यानी 3x हो गया, ठीक है, यानी 3x बराबर कितना का 72 आ गया, 3x बराबर 72 आ गया, ये 72 हो गया, ठीक है, देखिए जब 3x बराबर कितना के 72 आ गया, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 से बराबर यहाँ पर 72 ऊपर हो गया नीचे में 3 हो गया, तो कितना का 3 दुनिया का 6 हो गया, 6 दुनिया के 12 आ गया, देखिए तो यहाँ पर कितना गया यहाँ पर कितना जगह, देखिए 3 दुनिया का 6 गया तो एक बचा ना तो चढ़ते ही 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर 24 आ गया, यानी x का मान कितना गया, x का मान देखिए यहाँ पर 24 आ गया। तो आपको क्या पूछा है लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या के लिए क्या रखें, देखिए लड़कों की संख्या लेके यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2x दिया है, ठीक है, यहाँ पर लड़कों की संख्या हो गया, लड़कों की संख्या के बराबर कितना दिया 2x, ठीक है, तो 2 रखेंगे और गुणे x के बाद 24 आ गया, तो 24 दुनिया का कितना गया यानी 48 आ गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या कितना है 48 हो गए, तो 48 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे।